हेलो फ्रेंड्स, VLE के लिए गुड न्यूज़ है। CSE VLE को मिलेगा आधार एनरोलमेंट का काम। तो ये काम आप लोगों को कैसे मिलेगा, अगर आप एक CSE VLE हो, CSE में काम करते हो, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। CSE ID होने के बाद आप लोगों को नया नया सर्विस जो है वो मिलता रहता है। तो सिर्फ CSE ID होना ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत सारे कुछ क्राइटेरिया है। 2 दिन पहले ही ट्वीट करके यहाँ पे बता दिया गया है कि VLE को आपसे CSE की तरफ से आधार एनरोलमेंट सेंटर मिलने वाला है, वो भी ब्लॉक लेवल पे। तो ये जो काम है वो आपको कैसे मिलेगा, क्या करना है, कब से ये काम शुरू होगा, तो इसके लिए सिर्फ आपको एक CSE ID होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए बहुत सारे CSE में सर्विस है जो कंपलसरी आपको देना है, तब भी आप लोगों को इस ऐसा सर्विस मिलने का आशंका रहता है। तो इसके लिए क्या क्या सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड करना है, लोगों को कितना किस सर्विस ने आप लोगों को एक्टिव रहना है, कुछ सर्विस के बारे में मैं वीडियो में बताऊंगा। कोशिश कीजिएगा ये सर्विस जो है आप लोगों को प्रोवाइड करे और आगे आने वाला जितने भी CSE सर्विस है आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो इसके लिए मैं एक लिस्ट तैयार किया हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए DGPay ABS माइक्रो ATM। तो DGPay की मदद से आप ABS सिस्टम या माइक्रो ATM की मदद से आप लोगों को पैसा विथड्रॉ करके दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए IRCTC, आप IRCTC से लोगों को ट्रेन टिकट बुकिंग करवा सकते हैं, पासपोर्ट लोगों को बनवा सकते हैं, पैन कार्ड आप बनवा सकते हैं, ये कंपलसरी सर्विस है। POSIM आप काम कर सकते हैं, NPS में आप काम कर सकते हैं, ईश्रम में आप काम कर सकते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना मानधन योजना में काम कर सकते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस सर्विस इसमें अवेलेबल है। इसके बाद प्रीमियम कलेक्शन सर्विस, आप किसी भी इंश्योरेंस का प्रीमियम आप सेंटर में कलेक्शन कर सकते हैं, हर तरह का प्रीमियम इसमें कलेक्शन हो जाता है। तो इसमें आप ट्रांजैक्शन जो है बढ़ जाएगा, आप ये कर सकते हैं। इसके बाद पेंशन स्कीम है, जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट है, आप लोगों को जो पेंशन मिलता है, जिन लोगों को हर साल एक सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है जिसका नाम है जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट, वो लोगों को दे सकते हैं। तो इसके बाद अपोलो टेलीमेडिसिन है, टेली लॉ है, आधार प्रिंटिंग एंड एनरोलमेंट है, पैन कार्ड का है, इलेक्शन सर्विस है, ई कोर्ट रिजल्ट सर्विस है, डिजिटल इंडिया है, सर्विस ऑफ डेवलपमेंट पोस्ट। तो यहाँ पे जितना भी सारा सर्विस के बारे में मैंने बताया, इसमें बहुत सारा अच्छे खासे कमीशन भी आप लोगों को मिल जाएगा और CSE में ट्रांजैक्शन भी आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आप ये मान के चलिए कि जिस VLE का पोर्टल में ज़्यादा ट्रांजेक्शन होगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उनको आने वाला जितने भी सर्विस हो, आधार का काम छोड़िए, जितना भी नया नया सर्विस CSE में लाइव होता है उन लोगों को मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो आप भी कोशिश कीजिए, जितना भी सर्विस है, इसके अलावा बहुत सारे सर्विस हैं आप लोग CSE से लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करके CSE में एक्टिव रहने के लिए। एक्टिव जब भी रहेंगे तब नया जो सर्विस आएगा आप लोगों को मिलने का शंका ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे करके आप नया नया सर्विस लेके और भी अच्छा इनकम कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।